रोटियां कई बार बच जाती है ना, तो इन्हें फेंकिए मत, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बची हुई रोटियों से बनने वाली एक डिश। ये बहुत ही फास्ट बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। इसे हम सेल फुलके कहते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है। इसके लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा धनिया पत्ता, लहसुन चाहिए होगा, लहसुन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, हरी मिर्ची 5 से 6 ले लेंगे, और रोटियों को इस तरह से हमें तोड़ लेना है। अब इन सारी चीज़ों को, रोटियों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में हम धनिया पत्ता डाल देंगे, लहसुन डालेंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। इन सबको थोड़ा सा पानी डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पतला सा पेस्ट बनाना है हमें इसका। इसमें जो ये धनिया पत्ती और लहसुन का जो टेस्ट होता है ना, ये बहुत ही लाजवाब होता है। इसमें मेजर रोल धनिया पत्ती का ही होता है और लहसुन का, क्योंकि ग्रीन हम इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि इसमें हम धनिया डालते हैं। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, आपको इतनी ही रखनी है, इसे ज़्यादा पतला मत करना, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला किया तो जब हम इसे तेल में डालेंगे ना, तो इसके छींटे कुछ ज़्यादा ही उड़ेंगे। अब हम एक पैन में 2 से 4 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। इसमें हमें सबसे पहले जो डालना है ना, वो है धनिया पाउडर और हल्दी। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे हम, मतलब करीब करीब 2 से 3 चम्मच हमें धनिया पाउडर डालना है, और आधे चमचे के करीब हम ये डालेंगे हल्दी। इसे जल्दी से जल्दी चला लें, वरना ये जलने लग जाएगा। जब धनिया की खुशबू आने लग जाए ना, तो हम इसमें जो हमने ये पेस्ट बनाया हुआ है ना, ये डाल देंगे। इसे डालकर ही आप फटाक से मिक्स करना स्टार्ट कर दें, ताकि सारे मसाले का फ्लेवर पूरे पेस्ट में आ जाएगा, और इसको थोड़ी देर तक हम भूनेंगे। इसे अब हम 5 से 7 मिनट्स तक ढक्कन लगाकर पकाएंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब ढक्कन हटा दें और उसे अच्छी तरह से भून लें। आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छी तरह से चेंज हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है ये। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी महक आती है इसकी। अब हम इसमें रोटियां डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको चला लेना है रोटियां डालने के बाद, ताकि जो भी मसाला हमने अभी पकाया है ना, इसकी पूरी कोटिंग रोटी पर आ जाए। अच्छी तरह से देखो, मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें अब हम पानी डालेंगे। पानी हमें इतना डालना है कि उसमें रोटियां अच्छी तरह से डिप हो जाए। ज़्यादा नहीं डालना है, बस रोटियां उसके अंदर डिप हो जानी चाहिए। बस इतना हमें उसके अंदर पानी डालना है। पानी डालने के बाद हम उसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए पकाने वाले हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटाकर इसे एक बार चम्मच से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप देख सकते हो कि रोटियां कितनी अच्छी तरह से पक गई हैं। मसाला पूरा अच्छी तरह से लगा हुआ है रोटियों पर। अब आप गैस का फ्लेम बंद कर सकते हो और गरम गरम सर्व करें।